बाप दादा और ब्राह्मण परिवार की जान। राजयोगिनी दादी जानकी जी, जिन्होंने 27 मार्च 2020 को हम सभी को अलविदा कहा और बाप दादा की गोद में समा गई। वे एक चमकते चांद की तरह थी, हमारा नूर भी और गुरूर भी। वे उस फरिश्ते की तरह थी जो रहती तो जमीन पर थी, लेकिन नजरें सदा आसमान में रहते भगवान की ओर थी। वे उस सागर की तरह थी जिसकी गहराई में जाएं तो ज्ञान के अनमोल रत्न और स्नेह के मोतियों में समा जाएं। वे उस किताब की तरह थी जिसे हर कोई पढ़ना और जानना चाहता है। ऐसी शख्सियत की मालकिन दादी जी के लिए आज भी यही आभास होता है कि जब तक संगम है उनकी शिक्षाएं सदा हमारे साथ हैं। वे भले नैनों से दूर, लेकिन फिर भी सदा हमारे दिल के पास हैं। उन्हें भगवान ने खूबियों से किस कदर तराशा है, उन लाखों खूबियों को बयां करता ये शक्ति स्तंभ उसी की यादगार है। दादी जी का प्रेरणादायी जीवन, उनकी विशेषताएं और जीवन की संपूर्ण धारणाएं यादगार के रूप में इस शक्ति स्तंभ के जरिए दिखाई गई हैं, जिसकी हर ईंट दादी जी के त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ की दास्तां सुनाती है, जिसके जर्रे जर्रे में दादी जी की सच्चाई, सफाई, सादगी, वात्सल्य, स्नेह और ईश्वरीय प्रेम की पवित्र खुशबू समाई है।
ओम शांति। ये जो शक्ति स्तंभ जो बना है उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, हमको ये दिखाना था दादी कौन थे, दादी कैसे थे, दादी क्या थे, और हमको दादी की लाइफ इससे दिखाई देवे, उस अनुसार ये जो डिज़ाइन बनाया था। तो आप देखेंगे 6 पिलर्स जो लगे हैं। कई पूछते हैं क्यों 6 पिलर्स, क्यों नहीं 8 पिलर्स, क्यों नहीं 12 पिलर्स। तो उसका ये रीज़न था कि दादी हमेशा जब साकार में थी तो कोई भी पूछता थे, दादी आप में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, आप कैसे इतनी शक्ति आती है। तो दादी हमेशा कहते थे कि मैं अकेला सेवा नहीं कर रहा, मेरे में 5 आत्मा की शक्ति मेरे को चला रही है। और वो 5 आत्मा है मम्मा, बाबा, दीदी, दादी, विश्व किशोर दादा, और 6ठा जो पिलर है जानकी दादी। तो इसके कारण हमने ये 6 पिलर्स लगाए हैं। दादी हमेशा कहते थे कि ये 6 जो 5 आत्मा है उनों की शक्ति मेरे को चला रही है। और दूसरा आप बीच में देखेंगे एक सितारा, स्टार। तो दादी हमेशा भगवान के साथी थे, गॉड्स कंपेनियन। दादी सफलता का सितारे थे, एक चमकता हुआ सितारा था। और उस सितारे में आप देखेंगे एक पेज बुक का पन्ना जिस पर लिखत लिखी जाएंगी। तो दादी हमेशा अपनी लाइफ स्टूडेंट लाइफ समझी। दादी ने कभी ये नहीं समझा कि मैं बड़ी चीफ हूँ, मैं बड़ी दादी हूँ, मैं कोई स्पिरिचुअल लीडर हूँ, बल्कि दादी हमेशा यही कहते थे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। जब भी टीचर्स क्लास में जाती थी तो यही कहते थे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। दादी को पढ़ने का बहुत ही शौक था। कोई भी क्लासेस की बुक्स पढ़ते थे, ज्ञान अमृत पढ़ते थे, राजी खुशी पढ़ते थे, मीडिया मैगजीन पढ़ते थे। पढ़ने का बहुत शौक, न सिर्फ मुरली लेकिन कोई भी ज्ञान की बुक्स थे वो बहुत प्यार से पढ़ते थे। हमने देखा लास्ट में भी जब दादी हॉस्पिटल में भी थे तो कुछ न कुछ उठा के दादी को पढ़ने का शौक रहता था। फिर आप उसके ऊपर सितारे के ऊपर देखेंगे एक स्तंभ है, पिलर है, जो दादी हमेशा उंगली ऐसे करते थे कि एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा से हमेशा दादी चली है। तो उंगली हमेशा ऊपर ही रहती थी। सबका बुद्धि योग दादी बाबा से ही जुड़वाते थे, ना कभी अपने को खींचते थे। और इसमें भी आप देखेंगे 3 साइड्स लगाए गए हैं। तो 3 साइड्स इसलिए दिया गया क्योंकि दादी हमेशा 3-3 बातें सुनाए करते थे। दादी हमेशा कहते थे ओम शांति 3 बारी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, सफ़ेद कपड़ा खीसा खाली, मैं हूँ सारे विश्व के मालिक। तो जिस बीच का स्तंभ है उस पर भी दादी की 3 बातें लिखी जाएंगी, सच्चाई, सफाई और सादगी। फिर हम आते हैं गुंबज। कोई भी गुंबज के नीचे खड़े रहते हैं तो एकोइंग साउंड आता है, तो दादी की जो भी टीचिंग्स थी उनको याद आएगा। और एक गुंबज जो है छतरी की तरह, सब फील करेंगे कि प्रोटेक्शन का फीलिंग आएगा। जो भी बैठेंगे बहुत ही अच्छे से अच्छे अनुभव करके जाएंगे। ये एक तपस्या स्थान है, योग स्थान है। छतरी के नीचे दादी हमेशा छतरी के बारे में सुनाया करते थे कि छतरी है छत्र छाया के नीचे रहना, तो एक अपने आप को सेफ फील करेंगे। फिर हम आएंगे गुंबज के ऊपर जो कलश लगाया गया है, तो कैसे बाबा ने ज्ञान का कलश दादी के सिर के ऊपर रखा और दादी इस ज्ञान बल, योग बल, धारणा का बल से और सेवा के बल से अपने संपूर्ण
अवस्था प्राप्त करके दादी चले गए। और जैसे ही ऊपर कलश रखा गया है एकदम टॉप पर टॉप, तो नीचे एकदम नीचे भी हमने कलश रखा, तो एक ऊपर भी है और एक कलश नीचे भी है। तो ये है दादी का शक्ति स्तंभ का कॉन्सेप्ट। दादी जी की महिमा अनंत है, जिन्हें लफ्जों में कभी बयान नहीं किया जा सकता। उनकी स्मृति में बने शक्ति स्तंभ के जरिए उनकी विशेषताओं और अमूल्य धारणाओं की झलक दिखाने का प्रयास किया गया है, ताकि जो भी आत्मा इस पवित्र स्थान पर आए वो स्वयं में ज्ञान, गुण और शक्तियों के अखूट खजानों से भरपूरता का अनुभव करे। दादी जी से प्रेरणा लेकर बाप समान बने, पूरे विश्व की स्नेही बने, यही सही मायनों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंत में दिल से यही आवाज निकलती है कि दादी जी, जब तक लफ्ज रहेंगे जहां में, तेरी महिमा के गीत गाए जाएंगे। जाया न होने देंगे तुम्हारे इशारों को, उस पर सदा चलकर हम दिखाएंगे। शक्ति स्तंभ और अपने व्यक्तित्व से तुम्हारा परिचय इस जहां को हम कराएंगे। तुम्हें कभी न भूल पाएंगे दादी माँ, तुम्हें कभी न भूल पाएंगे।